मुंजान मुंजान आर गंटे इनसीडेंट आगे नम सहोदरी जीव हम मुंजान आर एर बारी आदर भी ना कल केस दाखल केस दाखल अंतर्र केस दाखल रेडी सज्जन न्यायुत केस याकप नहीं केस तक जल्दी केस तक ना हेलक अब सहज सवि बालक अब सहज सवि अंत मत नहीं केस तक अद्दन तोर्सी वेदिक मुखातर केस तक यार अड्डी आग्यार यार लेट प्रोसेस अंतर बग्गे मोदल तनिखे मावर शिक्षा को विद्यार्थी यारगू बेडवा अंत पर्स्थिति निर्माण आगे बहन सुप्रिया इसका एडमिशन बीदर के एक बस्ती स्कूल में था जिसके माँ बाप ने उस बेटी को दीपावली का जो छुट्टी होता है छुट्टी के बाद उस स्कूल में भेज दिए और वो माँ बाप कल जाके जब बेटी को देखे तो पोस्टमार्टम के रूम में वो बेटी मिली क्या लगा होगा बोलो भाइयों क्या इस तरीके से स्कूल चलेंगे इस तरीके से हमारी बहनों को शिक्षा मिलेगी कौन देखेगा इसको इसका जवाबदार कौन है जब उस स्कूल में बेटी को छोड़ा हुआ था बेटी बोल रहे कि आत्महत्या की हुई है क्या कोई जवाबदारी नहीं है कि आत्महत्या करके जो गलफास लगाकर वो बेटी वहां पर थी तो संस्था चालक बोलते हैं कि आपकी बेटी थोड़ा सीरियस है आप आइए एक घंटे के बाद फोन करते हैं बहुत सीरियस है स्लाइन लगा है और हॉस्पिटल में आप आइए और एक घंटे के बाद जब फोन आता है तो आपकी बेटी मर चुकी है तो भाइयों जब स्लाइन लगता है तो पोस्टमार्टम रूम में लगता है मैं पूछना चाहता हूँ ना माँ है ना बाप है ना कोई रिलेटिव्स है तो उस बेटी को उस पोस्टमार्टम के रूम पर हाथ पर चिट्ठी बंद कर रखा हुआ है क्या कोई इंसान की कीमत नहीं है मैं उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूँ साहब आपके बेटी को अगर होता तो क्या होता आपके दिल पर क्या बीतती क्या साहब आपकी बेटी अगर होती तो यही हाल होता उस अधिकारी को मैं बोलना चाहता हूँ साहब आपको रिक्वेस्ट है आपको शर्म आनी चाहिए 11 घंटे उस लाश को आप रुकाए साहब आपकी बेटी होती तो क्या होता लड़की रात में कब मरी हुई है पता नहीं है तो दूसरे दिन 3-4 बजे के टाइम तक उस लाश को ऐसी पड़ी हुई है और वही हमारे अधिकारी साहब बोल रहे हैं कि इसका जो आप देंगे वो केस हम नहीं लेंगे क्या न्याय है इस अन्याय के लिए हमको यहाँ पर होराट करना पड़ रहा है न्याय मांगने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है भाइयों सभी को रिक्वेस्ट है ऐसी घटना बार बार नहीं होनी चाहिए क्यों एक किसान है एक गरीब है संजय राठौड़ एक गरीब है एक कुली कार्मिक है उसकी बेटी का कोई कीमत नहीं है गरीब की बेटी की इज्जत नहीं होती गरीब की बेटी के लिए क्या कानून नहीं है भाइयों ऐसा अगर चलेगा तो हमारी माँ बहन बेटी किसी स्कूल और कॉलेज में महफूज है ये हम कैसा सोचेंगे जिस कॉलेज जिस हॉस्टल के जहाँ पे हॉस्टल चलता है वस्ती शाले चलता है उसके बाजू में उस प्रेसिडेंट का घर है और उस मेरी बहन को उस घर में भी काम करना पड़ता था
क्या इसीलिए हमारे बच्चियों को हम बहन बेटियों को स्कूल भेजते हैं? तो भाइयों, हम सभी को शक है इस जो, और एक बहुत दुख की बात, हमको जब बहुत दुख हुआ जब 10 से 11 घंटे वो हमारी बहन वहां पर लाश पड़ी हुई थी, उसके माँ बाप रो रहे थे, परेशान थे कि साहब हमको न्याय दो, साहब हमको न्याय दो, हमारा केस लो, ये वहां पे परेशान थे। उस वक्त ये घटना घटी जहां पर नरसिंहपुर तांडा है, उस तांडे में इंक्वायरी के लिए आते हैं कि सुप्रिया का कैरेक्टर कैसा है। अभी हमको क्या लगेगा बोलो, 9वीं क्लास की मेरी बहन का कैरेक्टर देखने के लिए आते हैं, मर केस नहीं होता है भाइयों, शर्म की बात है। ऐसा चलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो होगा इस बहन को न्याय चाहिए, इस तालुका हो, इस जिला हो, ऐसी मेरी माँ बहन के साथ अगर कुछ होगा तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, नहीं होना चाहिए। हर एक की बहन है, हर एक की बेटी है, कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, क्या बीतता होगा उस माँ बाप के दिल पर जो कुली करके मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लगे हुए थे, जिनको लाश मिली, लाश क्या लगा होगा उस माँ बाप को, सोचो आप उस बेटी के माँ बाप बन के देखो अब क्या लगता होगा। क्यों भाइयों, गरीब का दिल नहीं होता, गरीब को कोई लाड़ प्यार नहीं होता, गरीब की इज्जत नहीं होती। सभी रोड पर आना चाहिए, और जो जवाबदार ऑफिसर है उनको मेरा रिक्वेस्ट है, ये लोग सभी न्याय मांगने के लिए बाहर निकले, इसके पहले इस बेटी को न्याय चाहिए। जो कल फांस लगाते हैं उसका निशान होता है, ना कोई निशान है, कुछ नहीं है, इसके ऊपर सीधा आरोप होता है कि ये मर्डर है और इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। तो भाइयों, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, इस जन समुदाय की ओर से हमारे सभी एबीवीपी के भाई सभी ने न्याय मांगने के लिए, ये देश का भविष्य है, देश का भविष्य है, ये स्टूडेंट इस देश का भविष्य है, और इस माँ बहन बेटी को बेटियों के ऊपर अगर ऐसा अत्याचार होगा तो हमारा देश का भविष्य। क्या सर, अपन समाज रो मुखंड शिवाजी बिहार ऑटो सुप्रिया संजीव राठौर संजीव राठौर सारू आज आपण शेत जमलेले जो भाई आणि इंदुरवाडी ती मार पोलीस प्रशासनेनं दोन असं ठरवलं की ओन जल्दी ते जल्दी न्याय मिळणं आणि आरोपी अरेस्ट करणं, 24 घंटे में अरेस्ट करणं, कारण हमार से बंजारा समाजे रोडी ती मागणी छ, हम ज्यादा काही न बोलता, हम बोलन दकाळे मायर समाज को नहीं, हम जो को घस्टा अनि मंजूरी करवा था, हम बोलन को नहीं दिखाया, हम कहीं करया जो को करण दिखाया था, अन आरोपी 24 घंटा में अरेस्ट होने करन आज मार विनती सा आत्रा बोलन में दिशा तो समान। मैं लक्ष्मण राठौर बंजारा लाइन तुम्हारे शेयर स्वागत सा, मैं बीदर जिले हावड़ा तालुके जो सुप्रिया संजू राठौड़े पर अत्याचार करन, जो बालिक नाबालिके पर अत्याचार करन, रेपेर जो आई ही मर्डर कर रहा था और बदल आवरादे में एपीएमसी क्रासेती लेता नहीं बसेसर चौके लगा, जो ये मेरोण मुखांतर तहसीलदार ने एक लेटर दिले और बारे में आतेर जनता से उन्दुर विचार करा, उन्दुर व्यक्त कहीं कर सके, उन्दुर बोले सर विचार करो। तुम्हारा नाम क्या? राजू नायक। तुम्हारा क्या घटना? दुखेर घटना से घटना ये है कि अपन नरसिंहपुर तांडेर सुप्रिया संजू राठौड़ का एक छोरी बीदर डिस्ट्रिक्ट में रेसिडेंटल कर कोलूर के वो तो शाला था, उस शाला में छोरी ढाले थे, तो वो छोरी ना कहीं छोड़ मिला थी छको एक वर्ष थी कहीं मेंटली टॉर्चर की थी, शाला वाला वो शाला प्रेसिडेंट तीन तारीखे ना ऐसा घटना है कि वो छोरी रो मर्डर है, कुछ मर्डर हेर बाद वो शाला प्रेसिडेंट ये कच की बा ये छोरी ना घरे कहीं तो मेंटली टॉर्चर की जैसा हुई छेरी आता फांसी खाली करना वो प्रेसिडेंट अशा तरह ती एक मीडिया वाले ना पेपर वाले ना पत्रकार ना स्टेटमेंट अशा तरह ती दिन होता की घटना घन दुखेर घटना छोरी फांसी खाली के तो आने ना अपने ना फांसी खाली दी को खबर भी कड़ा है को नहीं कतरा बजे घाली कन्ना मरी ये कहीं से अपने कड़ा है को नहीं न करता हुआ वो शाला रो प्रेसिडेंट है वो छोरी ना केरी मालम छे जो लाता नहीं ना भीतर सरकारी दवाखाने में लाता नहीं ना छोरी रो जीव छ करता नहीं वो छोरी घरे वाले ना और याड़ी बापे ना वो तांडेर एक नायकेन फोन करता नहीं छोरी
मरीकवंती बाई दवाखान्याला ऍडमिट करायचा वर ट्रीटमेंट चालू छ करा असे तरती फोन करताना घरेवाले सूचना दिन होतो पण ही सूचना घण गलत छ ही कु दिनोस कतो भा छोरी मरीकवंती मरगीज केना उ काय किदो छ हा मरगीज केतानी काळाच वर काहीतरी सिक्रेट प्लॅनिंग करतानी उ काय किदो छ छोरी ना दातानी बीदर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल एडमिट करना को जर छोरी का तो ट्रीटमेंट चालू रहना चाहे और नामिर का तो चिट्ठी बनानू चाहे और कहीं है गोस कहीं बीमारी से बाहर और कहीं तो ग्लूकोस लाइस लागू चाहे नहीं ऐसे तरार ही कहीं जी हो पंती ये हिवाबस बा ऐसी तरह की घटना है कि इस कारण और छोरी जाड़ी बापे नो तांडे वाले कोटर बना ली तो और ए बात कहे है को ये तांडे वाले जान दीटे और याड़ी बाप जान दीटे जना बा ही छोरी तो आप मर गई सर ऐसे तरह की घटना मुख्य घटना चाह बंजारा समाज अपने समाज वृत्ति आप आता 5 तारीखे एक होराटा रैली करता ना कराशी एपीएमसी मार्केट बसेसर चौकीत आणि लाचाणीला आपले समाज एकत्र करता समाज कळायचा हे सारू की शासन प्रशासन की काय सकतो बा आपले छोरीना जल्दी की जल्दी न्याय हक्क अधिकार मळा देऊ कर आपण आज एक होराटा किदेचा हे सारू हे शासन प्रशासन दोही भी अगर हे छोरीना सुप्रिया संजू राठोडे छोरीना आपण न्याय न मळण दिने तो आपण सतत ही कंटिन्यू हनुज आपण रैली करेवाळ करा असे तरह की बोलून माझे शब्द खतम करतो धन्यवाद।